नमस्कार दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम फेमस बिजनेस बुक द गो गिवर की समरी जानने वाले हैं। द गो गिवर बुक्स में ऑथर एक एम्बिशियस यंग मैन की स्टोरी शेयर करते हैं। जो लड़का लाइफ में सफलता पाना चाहता है, उसका नाम जो है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। वो हार्डवर्क करता था पर उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। वो ये महसूस करता था कि उसके लाइफ में कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से उनका सफलता नहीं मिल रही है। एक दिन जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पिंडार से मिलता है। जो पिंडार को पूछता है कि वो बिजनेस में सफलता पाना चाहता है पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं। तब पिंडार जो को एडवाइस देते हैं कि अगर उसे बिजनेस में सक्सेस अचीव करनी है तो उसे सबसे पहले स्टेटोस्फेरिक सक्सेस के 5 लॉ को जानना होगा और उसको फॉलो करना होगा। अगर ये लॉ तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें भी ह्यूज सक्सेस मिल सकती है। जो पिंडार को कहता है कि वो ये लॉ सीखना चाहता है। तब पिंडार जो को ये 5 बिजनेस लॉ डिटेल में सिखाता है, जो इस तरह से है। फर्स्ट, द लॉ ऑफ वैल्यू। किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर आपको बिजनेस में सफलता पानी है तो सबसे पहले अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर को देनी होगी, जैसी प्रोडक्ट कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है, यानी कि बेहतर वैल्यू देनी होगी। मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है और आप वो रेस्टोरेंट को अपने शहर में लोकप्रिय करना चाहते हैं। उस वक्त आपका गोल ये होना चाहिए कि जितने रुपये वो खाने के बदले में आप कस्टमर से लोगे, उनसे भी अच्छी क्वालिटी का खाना कस्टमर को खिलाओगे। किसी भी बिजनेस तभी सक्सेस होता है जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे। इसीलिए हर बल हमें ये ख्याल रखना है कि हमें बेहतर वैल्यू अपने कस्टमर को देनी है। जितनी आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उतने ही ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगेंगे और उसमें से इनकम तो अपने आप जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से जो भी अर्न करते हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज वो दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी आप लोगों की सेवा करोगे, उतना ही आपको वापस रिटर्न मिलेगा। अब आप शायद कहोगे, अगर हम हमारी बिजनेस की इनकम में से दूसरों की सेवा करेंगे तो हमें उसमें से कुछ मिलता थोड़ी है, इस तरह से तो हमारे पैसे कम होते जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर हमारी सोच गलत है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तब मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ती है, और जितनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी उतनी ही आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और उससे आपके प्रोडक्ट की सेलिंग भी ज्यादा होगी। आखिरकार प्रॉफिट तो आपको ही होगा। थर्ड, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आप खुद की पसंदगी को भूल के दूसरों की पसंदगी क्या है उस पर फोकस करोगे, तब आप बेहतर तरीके से दूसरों की नीड्स को समझ पाएंगे। जब हम हमारी पसंदगी की प्रोडक्ट बनाकर दूसरों को सेल करने जाएंगे, तब शायद लोग उसे ना पसंद कर दे, उसकी संभावना ज्यादा है। पर जब आप दूसरों की नीड्स को समझ के अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तब आपको मार्केट में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, जब इंडिया में स्टार्टिंग में ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत हुई थी, तब किसी भी वेबसाइट पे से अगर आपको शॉपिंग करनी हो, तब अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ता था। और हमारे देश में स्टार्टिंग में ये बहुत नया था, इसीलिए लोग ऑनलाइन कंपनी पे कम ट्रस्ट करते थे और ऑनलाइन शॉपिंग करना टालते थे। उस पल फ्लिपकार्ट वो पहली कंपनी थी जिसने ये प्रॉब्लम को समझा और उसने कैश ऑन डिलीवरी के साथ प्रोडक्ट की सेलिंग करना स्टार्ट किया। उससे आम कंज्यूमर की कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी, क्योंकि जब प्रोडक्ट उनके हाथ में आए तभी उनको पेमेंट करना था, जिससे फ्लिपकार्ट इंडिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन कंपनी बन गई थी और आज भी है। इसीलिए सबसे पहले दूसरे लोगों के हितों के बारे में सोचे कि आपके कस्टमर की क्या चाह है। अगर आप उनकी चाहत की प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करोगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपके प्रोडक्ट ही परचेस करेंगे और उससे इनडायरेक्टली आपको ही सफलता मिलेगी। फोर, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। हर दिन आप दूसरों के लिए कार्य करें बिना ये सोचे कि आपके लिए वो लोग क्या करेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी और के लिए अच्छी चीजें करते हैं, तब रिटर्न में अच्छी चीजें आपके पास भी आएगी। हर वक्त आपके आसपास के लोगों को अच्छा फील करवाइए, उनके काम की सराहना करें। जब आप ऐसा करते हैं तब लोग आपके साथ दिल से जुड़ने लगते हैं, जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, आपकी बात में विश्वास करने लगेंगे और आपके प्रोडक्ट में भी। इसीलिए हमेशा ऑथेंटिक रहने का प्रयास करें, जैसे हो वैसे ही दूसरों के सामने पेश आए। कई लोग हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमारे पीठ पीछे दूसरे लोगों के सामने हमारी बुराई करते फिरते हैं। ऐसे लोगों के बिहेवियर से ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये इंसान की नीयत अच्छी नहीं है और ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता। इसीलिए ऑथेंटिक बने। 5, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। फाइनली ऑथर ये लास्ट लॉ में ये समझाते हैं कि अगर आप दूसरों को कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो जब आपको वापस उसके बदले में कुछ अच्छा मिले तो उसे रिसीव कर लेना चाहिए। अगर आप गिवर हो तो आपको रिसीवर भी बनना होगा। एग्जाम्पल, आप जब दूसरों को किसी प्रसंग पे गिफ्ट देते हैं तो नेचुरली है कि आपको भी किसी दिन गिफ्ट मिलेगी। इसीलिए जब आपको कोई गिफ्ट दे तब आपको भी उसे रिसीव कर ही लेना चाहिए। दूसरे एक एग्जाम्पल से ये बात को समझते हैं। आप किसी अच्छी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहे हैं जो कस्टमर की नीड्स है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट से भी बहुत खुश है, तब वो प्रोडक्ट के बदले में निर्धारित कीमत आपको हक से लेनी ही चाहिए। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, स्टार्टिंग में अपनी फोटोग्राफी की सर्विस लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए आप फ्री में फोटोग्राफी करते हैं, और जब आपका फ्री वर्क लोगों को पसंद आने लग जाए तब आपको अपनी फोटोग्राफी की सर्विस की जो भी फी है वो मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए।
अंत में सिर्फ एक बात कि आपकी दैनिक लाइफ में आज से ही ये लॉ को यूज करना स्टार्ट कर दें। आई विल श्योरली से डेट ये लॉ आपको एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ आपको एक बेटर इंसान बनाने की क्षमता भी रखता है। शॉर्ट में ये बुक्स का सार ये है कि अगर आप दूसरों को जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक ये वैल्यू को पहुंचाओगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जब आप हमारे वर्क को लाइक के थ्रू अप्रिशिएट करते हैं तब हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम दूसरी बार और भी उत्साह से वीडियो बनाते हैं। सो यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसी और भी बुक समरी पे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।